एक बार भाव से कहें राधे राधे। अब जब ज्यादा हाथ भगवान पड़े तो मैया ने झटपट दध मंथन करने के बाद में माखन निकाला, और गोदी में कन्हैया को बिठा करके बड़े भाव से मैया माखन खिलाने लगी। अब जैसे ही माखन खिलाने लगे ना, बड़ा आनंद हुआ। ठाकुर जी बड़े प्रेम से माखन करें, लेकिन अचानक मैया को याद आया कि मैंने तो गर्म होने के लिए रसोई में दूध रखा, वो दूध फैलने वाला होगा। तो एकदम उठकर के दौड़ी यशोदा मैया, कन्हैया को कहीं फेंका और माखन की भरी कटोरी को कहीं फेंका, दौड़ पड़ी माखन उस दूध को जो गर्म हो चुका था उतारने के लिए। भैया अब ठाकुर जी बड़े नाराज हो गए। भगवान कहने लगे कि मैया को लाला प्यारा नहीं है, कन्हैया प्यारा नहीं है, अपना बेटा प्यारा नहीं है, मैया को तो ये दूध दही माखन ज्यादा प्यारा है। क्या किया भगवान? कहने लगे कि आज नंद भवन में हम दूध दही माखन रहने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। कुछ भी हो जाए, आज दूध दही माखन हम नहीं रहने देंगे। जितने भी दूध दही के भरे हुए माट मटका नंद भवन में थे, सारे माट मटका कन्हैया ने फोड़ दिया, सारा दूध दही फैला दिया। अब मैया दूध को उतारने के बाद विचार करने लगी, मैंने लाला को छोड़ दिया, मुझे चल करके लाला को माखन खिलाना चाहिए। जैसे ही नंद भवन में लौटी तो देखा पूरे नंद भवन में दूध दही बिखरा पड़ा, नंद भवन के समस्त मटका और मटकी फूटे पड़े। अब माखन में ऊपर से लेकर के नीचे तक सने खड़े हुए हैं कन्हैया। माखन में ठाकुर जी सने हुए हैं। भैया मैया ने कहा कन्हैया ये माट मटका किसने फोड़े? भगवान बोले हमने फोड़े। क्यों फोड़े? कि देख मैया तुझको अपना बेटा प्यारा नहीं है, बेटे से ज्यादा ये दूध दही प्यारा है। हमने सोचा कि आज नंद भवन में दूध दही रहेगा ही नहीं। अच्छा चल कोई बात नहीं, तने मटका फोड़ दिए, दूध दही फैला दिया, लेकिन इनमें एक छोटी सी काली सी मटकी थी, वो कहाँ है? भगवान बोले मैया वो मटकी भी मैंने फोड़ दी। यशोदा मैया इस बात को सुनकर के बड़े क्रोध में आ गई। बने मैया कहने लगी कन्हैया वो मटकी मटकी नहीं थी, वो मटकी मटकी नहीं थी, वो मटकी मेरी ददिया सास की आखिरी निशानी थी। मेरी ददिया सास ने वो मटकी मेरी सास को दी, मेरी सास ने मुझको दी, और मैं तेरी बहू को देके जाती। आज तेने वो मटकी नहीं फोड़ी कन्हैया, तेने मेरी ददिया सास को मर दिया, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाथ में साठी लेकर के मैया कन्हैया के पीछे पीछे भाग रही।
सात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु के काना। जिनकी एक टेढ़ी सी ब्रकुटी से सारा संसार नष्ट हो जाए, वह परमात्मा आज एक ब्रज की ग्वालन के डर से भाग रहे। कैसा दृश्य है प्रभु, आगे आगे कन्हैया भाग रहे डरते हुए, और पीछे हाथ में सांठी लेकर के मैया दौड़ रहे। रुक जा कन्हैया। ठाकुर जी चिढ़ाते जा रहे मैया को। अब कन्हैया है 5 साल के और मैया है 85 साल की। अब कोई 85 साल की बुढ़िया दौड़ करके क्या किसी बच्चे को पकड़ लेगी? मैया थोड़ी तो दौड़ी, लेकिन अब सांस जल्दी जल्दी चलने लगा, थक करके खड़ी हो गई। कन्हैया दूर खड़े होकर के मैया को चिढ़ाते हैं, धमकाते हैं। मैया ने कहा, कन्हैया तुझे तेरे सतयुग के भक्तों की सौगंध है, मेरे पास में आ जा, भगवान नहीं आए। मैया ने कहा, तुझे तेरे त्रेता युग के भक्तों की सौगंध है, मेरे पास में आ जा, भगवान नहीं गए। मैया ने कहा कि तुझे तेरे द्वापर के भक्तों की सौगंध है, मेरे पास में आ जा, भगवान नहीं गए। और अंत में मैया ने कहा कि तुझे तेरे कलयुग के भक्तों की सौगंध है, कन्हैया तू मेरे पास में आ। ठाकुर जी ने कलयुग के भक्तों की सौगंध मानी, मैया के पास में गए। और यशोदा मैया ने कन्हैया को बीचों बीच नंद भवन में एक ओखल था, उस ओखल से बांध दिया। भैया गर्मी का समय था, जेठ का महीना, उस जेठ के महीने में कड़कती हुई धूप में मेरे कन्हैया भूखे प्यासे ओखल से बंधे खड़े थे। ये बात जब गोपियों को मालूम पड़ी ना, जो गोपी जिस हाल में थी वो उसी हाल में भगवान के पास दौड़ गई। गोपियां इकट्ठी होकर के यशोदा मैया के पास में आई और आकर के कहने लगी, माँ आपने हमारे प्राणों से प्यारे कन्हैया को उखल से बांध दिया। मैया आपने ये ठीक नहीं किया। देखो कन्हैया का कमल जैसा मुख इस धूप से कैसा मुरझा गया है। मैया कन्हैया को खोल दो, उसे बंधन मुक्त कर दो, खोल दो कन्हैया को। मैया बोली कि रोज शिकायत लेकर के तुम आती थी कि हमारे मटका फोड़े, मटकी फोड़ी, ये किया वो किया, और आज जब उसे मैं दंड दे रही हूं तो तुम हिमातन बन के आई हो, भाग जाओ से। आज ये पूरे दिन भूखा प्यासा बना रहेगा। अरे चोर भी दूसरों के घर में चोरी करता है, इसने तो अपने घर को ही नहीं छोड़ा, अपने ही घर के मट मटका फोड़ दिया। गोपियां कहने लगी, मैया कन्हैया का ये दुख हमसे देखा नहीं जाता, कन्हैया दुखी है, यह दृश्य देख करके हमारा मन दुखी होता है, या तो आप खोल दो, और आप नहीं खोलोगी तो हम जाके खोले देते। अच्छा जरा खोल के बताओ कैसे खोलोगे। गोपियां भगवान को खोलने के लिए आगे बढ़ी। मैया ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सौगंध है जो तुमने कृष्ण को खोला। गोपियां कहने लगी, आज कन्हैया के लिए माता पिता ने शब्द। मैया ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी संतान की सौगंध है जो तुमने कृष्ण को खोला। गोपियां बोली, आज प्रभु के लिए संतान भी न छा। मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में मैया ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे पतियों की सौगंध है गोपियों जो तुमने कृष्ण को खोला। गोपियां कहने लगी,
देखो हम सब कौन है? आत्मा। और कृष्ण कौन है? परमात्मा। तो इस आत्मा का असली पति कौन है? परमात्मा। गोपियां कहती हैं कि हमारे सच्चे पति, जगत के पति, प्राण पति उखल से बंधे खड़े हैं और संसार के माटी के पुतलों का हम क्या करें। आज गोपियों ने पतियों को भी न्यौछावर कर दिया। कन्हैया को खोलने के लिए आगे बढ़ी। मैया ने कहा कि तुम्हें इस कन्हैया की ही सौगंध है जो तुमने इसको खोला। अब गोपियों के हाथ रुक गए। मैया आपने ये क्या किया? आपने हमारे प्राण प्यारी की ही सौगंध खिला दी। गोपियां गईं। अब मैया भी घर में अपना काम करने लगी। बंधुओ, वो जो उखल था बड़ा भारी, उस उखल को भगवान ने जमीन पर गिरा। घसीटते घसीटते थोड़े आगे बढ़े तो नंद भवन के आंगन में दो वृक्ष थे, यमन अर्जुन। जैसे ही उन दोनों वृक्षों को ठाकुर जी ने पकड़ करके एक झटका मारा, वो दोनों वृक्ष टूट करके धड़ाम से धरती पर गिरे और उन वृक्षों के अंदर से दो देवता प्रकट हो गए। दो देव प्रकट हो गए और वो दोनों के दोनों देवता बार बार भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा कि भैया आप कौन हो? और वृक्ष योनि को कैसे प्राप्त हुए? तब उन्होंने बताया कि प्रभु हम धन के राजा कुबेर के बेटा हैं और हमारा नाम है नलकुबर मणग्रीव। एक बार अपनी पत्नियों के साथ हम जल में विहार कर रहे थे, नारद जी आए, लेकिन नारद जी को देख करके हमने उनकी लज्जा नहीं करी, शर्म नहीं करी। सो नारद बाबा ने क्रोध में आकर के हमें श्राप दे दिया कि तुम जड़ के समान शिष्टाचार भूल चुके हो, तुम जड़ हो जाओ। लेकिन बाद में जब हमने क्षमा मांगी नारद जी से तो उन्होंने हमें क्षमा का दान दिया और कहा कि जाओ। द्वापर के अंत में जब कृष्ण का अवतार पृथ्वी पर होगा तो उन्हीं के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो नलकुबर मणग्रीव कुबेर भंडारी के दोनों पुत्र कहने लगे, महाराज आज आपकी कृपा से हमें उस श्राप से, उस योनि से छुटकारा मिला है। नलकुबर मणग्रीव अपने लोक को प्रस्थान किए और अब धड़ाम से वृक्षों के गिरने की आवाज जब मैया ने सुनी तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के ठाकुर जी को उठाया, बड़ा लाड़ लड़ाया। आज के बाद कन्हैया मैं तुझे कभी उखल से नहीं बांधूंगी। और ये परम पावन उखल बंधन लीला, जिसे दामोदर लीला भी कहते हैं, सुखदेव बाबा ने परीक्षित को सुनाई है। एक बड़ा ही सुंदर गीत यहाँ गोपियों ने गाया जिसे श्रीमद् भागवत में वेणु गीत कहते हैं। बड़ा ही प्यारा यह गीत है। छोटा सा एक भाव इस गीत का आप लोगों को मैं सुनाऊं। अछन्वताम फलमिदं न परम विदाम सख्या पशु ननु विवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजे सस्वतयो रणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपियां आपस में मिलकर के चर्चा किया करते हैं। और देखो गोपियों ने कितनी सुंदर बात ये कही। गोपियां कहती
की मुरली बजाते, अधरों पर मुरली धारण किए कन्हैया जब गैया चरा करके आते हैं और हम उनका दर्शन करें, तो दर्शन करते समय पलक जब नीचे गिरती है ना और गिर करके उठती है, तो उस समय हम विधाता को बड़ा कोसती हैं। बार बार हम कहती हैं कि विधाता, ब्रह्मा तेने ये पलक बनाई है क्यों? अगर ये पलक ना होती तो कन्हैया के दर्शन में विक्षेप ना होता। हमारी पलक नीचे गिरती है और नीचे गिर के ऊपर उठती है, तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष भगवान के दर्शन के बिना बीत गए। एक गोपी कहती है कि बहना, ये जो कन्हैया की बांसुरी है ना, ये बांसुरी बड़ी नखरे वाली है। ये बांसुरी कन्हैया से अपनी बड़ी सेवा कराती है, बहुत सेवा कराती है अपनी। कैसे? बोले जब इसको नींद आती है ना बांसुरी को, तो श्री ठाकुर जी अपने हाथों से इसकी चरण सेवा करते हैं, इसके पैर दबाते हैं, ये फिर भी नहीं सोती, कितनी नखरे वाली। तो भगवान इस बांसुरी को अपने होठों का, अपने अधरों का तकिया देते हैं, लेकिन फिर भी इतना नखरा दिखाती है, इसे नींद नहीं आती। तो अंत में ठाकुर जी अपने मुख से फूंक मार करके मानो इसकी हवा करते हैं, चरण भी दबाते हैं, अधरों का तकिया भी देते हैं, फूंक मार करके हवा करते हैं, तब ये बांसुरी प्रसन्न होती है और बड़ी ही सुंदर ऐसी मीठी ध्वनि छेड़ती है कि उस ध्वनि को सुनकर के हम सब बावरी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जब ये बांसुरी बजती ना, तो इस बांसुरी की आवाज जब बछड़ों के कानों में पड़ती और बछड़े उस समय दूध पी रहे होते अपनी मैया का, गैया का, तो जैसे ही दूध पिया तो तुरंत मुरली की तान कान में पड़ी। ऐसी हालत बछड़ों की हो जाती कि ना तो वो दूध को निगल पाते और ना ही दूध को उगल पाते, बेचारे बीच में ही फंस जाते, ऐसी दशा हो जाती। वर्णन बहुत है लेकिन थोड़ी समय की सीमा है, हमें श्री गिरिराज बाबा का भी बड़े भाव से पूजन करना है। बोलो मुरली मनोहर भगवान की जय, भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुता अपशल्यवशन गोपाल इन्द्रयाग कृत्योदमः। सभी ब्रजवासी साल में मिलकर के एक बार बड़े हर्षोल्लास के साथ इंद्र की पूजा किया करते थे। कन्हैया ने नंद बाबा से आकर के पूछा कि बाबा, हम सब मिलकर के, सभी ब्रजवासी मिलकर के साल में एक बार इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? बाबा ने कहा, बेटा हम किसान हैं और खेती किसानी के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, जल के वर्षा के देवता हैं इंद्र, अगर उनकी कृपा रहेगी तो समय समय से वर्षा होती रहेगी, खेती होती रहेगी, समय पर हमारे ब्रज में वर्षा होती रहे, इसीलिए हम सब मिलकर के इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान बड़े हंसे और
कहने लगे बाबा आप बड़े भोले हो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं चेम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा ये कर्म लोक है, यहां जीव जैसा कर्म करे वैसा फल पाए। आप इंद्र को देवता मानते हैं, देवता तो वो है जो बिना मांगे दे, और कुछ लेकर के कुछ देने वाला देवता नहीं, वो तो व्यापारी कहलाता है। अब की बार मेरे कहने पर आप इंद्र की जगह मेरे इष्ट देवता की पूजा करो, वो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। अच्छा बेटा, वो तेरा इष्ट देवता कौन है? भगवान बोले वो कोई और नहीं है, जिसकी पावन तलेटी की घास खा करके हमारी गैया स्वस्थ रहती है और हमें ताकतवर दूध देती है, जिनकी तलेटी में हम हमेशा वास करते हैं, ऐसे श्री गिरिराज महाराज श्री गोवर्धन पर्वत की आप मेरे कहने पर पूजा करो। गिरिराज महाराज बिना मांगे समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, एक बार उनके द्वारे पर जाकर के मांगो, किसी और के द्वारे पर जाकर के मांगने की आवश्यकता बचेगी ही नहीं। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों को बुलाया, कहा कि देखो कन्हैया की इच्छा है कि हम सभी मिलकर के देवराज इंद्र की जगह गिरिराज महाराज की पूजा करें। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरे कहवे पे पूजा तो कर देंगे, लेकिन कल को अगर कोप भयो इंद्र को हमारे ऊपर तो। भगवान बोले चिंता मत करो, जिसकी पूजा करोगे वो तुम्हारी रक्षा भी करेगा। अब तो समस्त ब्रजवासियों ने बैल गाड़ियां सजाई, उसमें 56 भोग रखे और अपने गऊ बछड़ों के साथ बाल बच्चों के साथ सभी ब्रजवासी मिलकर के श्री गिरिराज महाराज की तलेटी की ओर जाने लगे। अच्छा देखो, आप लोग भी जिगनावासी नहीं है, आप भी अपने आप को ब्रजवासी माने और शरीर से आप जिगना में बैठे रहे, लेकिन मन से आइए चले हम सभी मिलकर के गिरिराज जी की पावन तलेटी में और थोड़े गाते हुए भाव से हम में तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी नहीं माने मेरा बनुआ में तो गोवर्धन को गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरा मनवा गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरा मनवा। ओ चंपा जाय सब मिलो जाय
पहुंचे हैं गिरिराज जी की तलेटी में। कृष्णस्तन यतमं रूपं गोप विश्रवणं गतः शैलो स्मृति ब्रवन भूरि बलि मादद वृहत वपुः। बोले गिरिराज महाराज की जय। सभी ब्रजवासियों ने भाव से गिरिराज महाराज का जयकारा लगाया और भाव से मिलकर के सबने गिरिराज जी का पूजन किया। तो जैसे वहां ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया था, तो आप समस्त जगन्नाथ ग्रामवासी बारी बारी से गिरिराज जी का पूजन करेंगे। हमारे यजमान श्री प्रभु दयाल शिव हरे सबसे पहले गिरिराज जी का पूजन करें और उसके बाद में जिस किसी माता की भाई की श्रद्धा हो आप भाव से गिरिराज जी का पूजन करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे परम पूज्य मामा जी सुंदर सुंदर भाव आप लोगों को सुनाएंगे। हेलो शिरोदा य
देखिए आप लोग भजन तो होगा ही, लेकिन सबसे प्रथम आप लोगों को गोवर्धन पूजा करनी है। तो यहाँ पर भजन चलेगा और यहाँ पर आप गोवर्धन पूजा करेंगे और एक लास्ट में सुंदर भजन का आप लोग आनंद लेंगे, फिर आरती होगी। तो पहले आप लोग एक करके उठे, हमारे यजमान जी पूजन कर ले, फिर आप लोग पूजन करें। और कल तो आप लोग ध्यान से सुने, कल भगवान कृष्ण कन्हैया जी का विवाह रुक्मणी मैया जी के साथ होगा। तो कल भगवान द्वारकाधीश बन जाएंगे। तो घर में जब किसी बच्ची का या बेटे का विवाह होता है तो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, सुंदर रंगोली सजाते हैं और बड़े भाव से दान करते हैं। तो कल तो जगत जननी माता मैया का विवाह भगवान द्वारकाधीश से होगा। तो आप लोग सभी माताएं अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कल आप लोग सभी रुक्मणी जी का कन्यादान भी करेंगे और सभी उनका तिलक करेंगे, पूजन करेंगे। और आज जो गोवर्धन भगवान की पूजा का फल आपको, जो आपको गोवर्धन जाने में मिलेगा, वही फल आज आपको यहाँ पर आपके ग्राम जगना में ही मिल जाएगा। तो भगवान सुंदर गोवर्धन की झांकी बनाई गई है, आप सभी माताएं की करके आए और भगवान को तिलक चंदन करके जो भी आपको श्रद्धा अनुसार फल पुष्प भेंट करना हो, द्रव्य दक्षिणा, वो आकर के चढ़ाएं और पूजन करें। इधर एक भजन का आप लोग आनंद लें। परिक्रमा बाद में लगाएंगे सभी, अभी केवल पूजन करें। परिक्रमा अभी कोई नहीं लगाई, अभी कोई परिक्रमा नहीं लगाई, सभी से निवेदन। अरे माताओं, पहले आप तिलक चंदन कर लो, परिक्रमा में बहुत टाइम लगेगा, बाद में आरती के बाद आप लोग लगा लें परिक्रमा, जिनकी भी श्रद्धा हो। अभी पूजन करें।
नहीं खाना छोड़ा।